मोहतरम इंदौर के शहरवासियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरविंदो हॉस्पिटल में हूँ और आप लोगों की दुआ से बहुत जल्दी तेज़ी से मैं अच्छा हो रहा हूँ। ये अल्लाह का फ़र्ज़ है। अभी 2-3 दिन बाद रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है। वो बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इस महीने में आम तौर पर इंसान नमाज, रोज़ा और दूसरी इबादत बढ़ा देता है, लेकिन हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि जो हमारे मुल्क में ये कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, इसके अंदर हमें कानून का पूरा लिहाज रखना है। जिस तरह से हम अपनी नमाजें मस्जिद के अंदर चंद लोग पूरी कर रहे हैं और बाकी अपने घरों के ऊपर अदा कर रहे हैं, इसी तरह से हमें अपनी नमाजों का भी पूरा ख्याल रखना है और कानून का, लॉकडाउन का पूरा हमें ख्याल रखना है। और इस बात से मैं आपको और ज़्यादा तवज्जो दिलाता हूँ कि इस वक्त बहुत ही सारे लोग परेशान हैं। जो लोग, जिन लोगों के पास खाने का ऐसा सामान नहीं हो, रमज़ानुल मुबारक में लाखों रुपया आप लोग सदकात निकालते हैं, ज़कात निकालते हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने इस पैसे में से अतियात में से निकालें और अपने भाइयों के लिए, जो अपने वतनी भाई हैं, उनको भी इसका हिस्सा पहुँचाएँ। और ख़ास करके ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें। और सबसे बड़ के बात यह है कि हमें इस बीमारी से निपटने के लिए, जब तक हम इस बात का लिहाज नहीं रखेंगे, इस वक्त हमारा प्रशासन पूरा साथ दे रहा है, डॉक्टर्स हमारे साथ दे रहे हैं और सारे का सारा अमला लगा हुआ है, लेकिन ये सभी कामयाब होगा कि जब हम अपनी नमाज़ें, जिस तरह से हमारे उलमा बता रहे हैं, अपनी नमाज़ें अपने घरों में और इस तरह से पढ़ें कि लॉकडाउन का पालन हो जाए। बस मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है।